रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं भाई ने वायनाड सीट से जीत हासिल की, वो सीट छोड़ी, वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, प्रियंका गांधी को उतारा जा रहा है वायनाड से, इस भर से क्या परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर चस्पा होता है क्या कि भाई ने सीट छोड़ी तो बहन को उतार दिया गया? देखिए, परिवार है, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, लेकिन जैसा कि खुद समीर जी आपने कहा जी, प्रियंका जी आज से नहीं बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, और मैं कहूं तो ये गांधी का परिवार जो है वो कई बार खुद सत्ता से बाहर रहना भी चाहे तो भी इस देश में कांग्रेस के नाम का मतलब ही होता है गांधी परिवार। जब जब अतीत में याद होगा आपको, ऐसा हुआ है कि कोई दूसरा आया है तब तब पार्टी में विभाजन हुआ है। याद कीजिए, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह और क्यों छोड़ के गए थे। सीधी सीधी एक बात है, कांग्रेस पार्टी में अगर कांग्रेस परिवार का कोई व्यक्ति टॉप पे है तो कांग्रेस जुड़ी रहती है, नहीं तो जैसे ही सेकंड लाइन पर आप जाते हैं तो वो क्यों, मैं क्यों नहीं, ये हो जाता है। तो डी फैक्टो एक बात मान के चलिए कि गांधी परिवार राजनीति में पहले से रहा है, वो है। आज की तारीख में जाहिर सी बात है, राहुल जी दोनों जगह तो रह नहीं सकते थे। उन्होंने अगर वायनाड से छोड़ा है तो ये एक समझदारी की बात है। देखिए, साउथ ने कांग्रेस का हमेशा मुश्किल में साथ दिया था। याद कीजिए, नरसिम्हा राव जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कभी ठीक नहीं रही। अगर संभाला, 2004 में भी आप देखिए किसने संभाला, बंगाल, साउथ इंडिया मतलब एक तरह से तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना तब एक ही थे, इसके बूते कांग्रेस राज करती रही। आज की तारीख में देखिए, केरल में कांग्रेस मजबूत है, तेलंगाना में उसकी सरकार है, कर्नाटक में राज्य सरकार में ऑलरेडी वो है। तो ऐसे में अगर वो वायनाड की सीट कांग्रेस परिवार के साथ में रहती और प्रियंका गांधी जी एक तरह से शुरू से, जैसा आपने कहा, 19 से तो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में है, महामंत्री थी, तो मुझे लगता है कि देखिए अल्टीमेटली ये पार्टी का अधिकार है, विशेषाधिकार है, वो किसको चुनती है, और प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, ये डिमांड तो कांग्रेस में आज से नहीं, ठीक है, तो 20 साल से हो रही थी। अवनी बंसल से ही ले लेते आपके आपके इस विश्लेषण पे प्रतिक्रिया। अवनी, जैसा कि रामकृपाल जी कह भी रहे थे कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का हर बार क्या हाल हुआ है ये कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता, और यही वजह है कि ये जो तथाकथित आरोप है परिवारवाद के, वो एक मजबूरी भी है कि इस परिवार के अलावा कोई दूसरा नेतृत्व कांग्रेस सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती। देखिए, हमें लगता है कि दीदी की एंट्री से भाजपा वाले काफी बौखला गए हैं, क्योंकि भाजपा वालों को पता है कि दीदी में कितना पावर है, और दीदी जब बोलना शुरू करेंगी तो अच्छे अच्छों की लंका लग जाएगी। और यही कारण है कि भाजपा आज से नहीं, भाजपा ने ना जाने कितना पैसा, कितना दशक, कितनी एनर्जी लगा दी कि किसी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इमेज को धूमिल कर सकें। आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी जी इन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब इन लोगों ने कहा था कि भाई आपने तो प्रियंका गांधी का करियर खत्म कर दिया, उनको ऐसी जगह भेज दिया जहां पे कांग्रेस सबसे कमजोर है। इस बार जब उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसका क्रेडिट भी प्रियंका गांधी को जाना चाहिए। अच्छा, भाजपा वाले काफी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से प्रियंका गांधी को जो है वो यूपी तक सीमित कर दिया जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरह उन्होंने 100 से अधिक देश के अलग अलग कोने में जाके रैलियां करी हैं, तो ये बात साफ है कि वो एक राष्ट्रीय नेता है, किसी स्टेट तक सीमित नहीं है। तीसरी बात ये कि कांग्रेस की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे चाहे गांधी परिवार हो चाहे कोई और हो, यहाँ पे सारे डिसीजन जो है वो डिस्कशन के बाद किए जाते हैं। मैं भाजपा के से एक सवाल करना चाहती हूं, आपने देश का प्रधानमंत्री बिना किसी मीटिंग के चुन लिया? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है,
कि भले ही आप लीडर हैं, लेकिन क्या आपकी कोई मीटिंग बुलाई गई? क्या लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने कोई मीटिंग बुलाई कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? आपने इप्सो फैक्टो देश का प्रधानमंत्री तय कर दिया, तो आप ये बोलने वाले कौन होते हैं कि कांग्रेस कैसे तय करेगी कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा? दूसरी बात, ठीक है अवनी जी, लेकिन आपने जो बात कही इसी में मैं एक बात बस अवनी जी जोड़ दूं, क्योंकि आपने कहा कि भाई दीदी में वो पावर है जिससे बीजेपी डर रही है, इस तरह की बयानबाजी कर रही है। इस पावर का एहसास तो आप लोगों को पहले से था, फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो प्रियंका गांधी को क्यों नहीं उस वक्त चुनावी मैदान में उतारा गया? ये इंतजार क्यों किया गया कि राहुल गांधी दो सीट से लड़े, एक सीट छोड़े और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी आए? जी देखिए क्या होता है, जब हम एक युद्ध में होते हैं, एक चुनाव में होते हैं, तो पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि किस व्यक्ति को आपको कहाँ पे रखना है। दीदी ने यदि बैकस्टेज काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि दीदी ने काम नहीं किया। दीदी का काम इस देश में व्यक्ति आज नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, उनको पता है कि दीदी कितने सालों से जो है वो पार्टी के लिए काफी मजबूती से काम कर रही है। हमारा पहला मुद्दा ये नहीं था कि कोई एक व्यक्ति जो है वो सांसद में आया नहीं, हमारी पहली लड़ाई ये थी कि इंडिया ब्लॉक जो है उसको जीतना चाहिए, और दीदी ने पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो संभाला। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि वो समय आ गया है कि दीदी जो है वो चुनावी रणनीति में आ गया है। लेकिन आपने तो प्रधानमंत्री, मेरे सवाल का जवाब देना भाजपा के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री आपने किसी मीटिंग से चुना? ठीक है रोचिला, एक तो इसका जवाब दे दीजिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि आपने नरेंद्र मोदी को पहले ही कैसे प्रधानमंत्री घोषित किया, वो लोकतांत्रिक प्रोसेस क्यों नहीं अपनाया जिसका हवाला कांग्रेस दे रही है? और दूसरा सवाल, क्या वाकई में बीजेपी प्रियंका गांधी को यूपी तक लिमिटेड करना चाहती थी जिसमें वो फेल हो गई? क्योंकि प्रियंका गांधी की लीडरशिप का विस्तार हो रहा है, अब नॉर्थ से साउथ तक वो जाती नजर आ रही है। देखिए इनके इस डिसीजन से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि परिवार की विरासत का हकदार बेटा ही हो सकता है, बेटी नहीं। ये इनका अपनी सोच है, क्योंकि रायबरेली इनकी अपनी सीट रही है सोनिया गांधी जी की, तो इन्होंने अपने बेटे को वहां पर भेजा है, अपनी बेटी को नहीं भेजा, इसलिए परिवार बात तो है ही, साथ में बेटा ही होगा हकदार, बेटी नहीं हो सकती। जो प्रियंका गांधी इतने सालों से इन्होंने मन से महिला होते हुए उन्होंने अपनी उम्र बताई, मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ और मैं राजनीति में हूँ, मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी और मैं राजनीति में हूँ, उन्हें उतनी उम्र बतानी पड़ी, उन्होंने उनको अपनी इच्छा बतानी आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए। एक एक करके जी रोचिका जी, जो 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 राहुल गांधी साउथ पे जाते थे तो उत्तरी भारत के लोगों को, उनकी जनता को निचले स्तर का जताते थे, कहते थे कि मुझे वहां पर आके बहुत इंटेलेक्ट महसूस होता है, उत्तर भारत के लोग जो है वो मुझे रोचिका। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था, जो दो सवाल मैंने पूछे उसका आप दोनों का उत्तर नहीं दिया। पहला ये कि प्रधानमंत्री का चुनाव पहले ही कैसे कर लिया गया जब कोई व्यक्ति विशेष का की भूमिका नहीं है, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये कांग्रेस का आरोप है, उसका जवाब। और दूसरा कि प्रियंका गांधी को यूपी तक लिमिटेड करने में फेल हुई बीजेपी। देखिए एक तो पहली बात यह है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए ने उनके चेहरे, उनको फेस बनाकर, पीएम फेस बनाकर इलेक्शन लड़ा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली पीएम कैंडिडेट हो गए ना। ये हमारे आपस में हमारी समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे प्लीज मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि आप जब बोलेंगे मैं अपनी जवाब तो सुन लीजिए ना उनका, फिर इससे वक्त जाया होता है जी, पूरा करने दीजिए। बीच में मैं बोलूंगी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलिए रोचिका जी, जल्दी से कंप्लीट करें। तो हमारे बीच में ये समन्वय है, हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम अगर जीत गए तो हम हर महीने नया पीएम बना लेंगे, नहीं। एनडीए में इतना समन्वय है कि उन लोग सब ने, एनडीए ने, सारे दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को अपना पीएम का फेस बनाकर ये इलेक्शन लड़ा है, तो उसमें हमारे यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये प्रॉब्लम इनके यहाँ हो सकती है। चलिए ठीक है, इंडी गठबंधन जो है वो बनने से पहले हम देख रहे हैं टूटता जा रहा है, कहीं ये लोग